अज दे इस धरने दे विच बैठे बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावो भैनों नौजवानों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी अज 2020 नूं अलविदा आखनी है, कल नवा वरा चढ़ना है, तो वाहिगुरु मेहर करे ये नवा वरा किसानी लई, मनुखता लई, इस देश लई खेड़ियां खुशियां भरिया होवे। वाहिगुरु मेहर करे मोदी सरकार नूं समत बख्शे, वो लोक सेवा वाले पासे तुरे। वाहिगुरु मेहर करे मोदी सरकार नूं शुद्ध बुद्धि बख्शे, वो अपना अरिस्टोक्रेटिक स्टाइल काम करन दा बदल के लोक पक्षी स्टाइल बनाए। नवे वरे दी ये साड़ी सारियां दी कामना है। तुसी सारे मेरे साथियों तो सुन चुके होवोगे, कल दी मीटिंग विच सरकार दे सुर ढिले सी, ये तुहाडी इन्नी लंबी तपस्या दा सिट्टा सी वी कल ओह उन्हां दे गल करन दे लहजे विच बहुत वड्डी तब्दीली नजर आ रही सी। दो छोटियां छोटियां गल्लां जिहड़ियां उन्होंने कल मनियां, साढ़े पंजाब वास्ते खास तौर ते बाकी देश दे सारे समुचे किसानां वास्ते भी बहुत अहमियत रखदियां ने। एक बिजली सोध बिल 2020 सी जिहड़ा हाले कानूनी शक्ल लैण तों दूर हाले सरकार दे बस्ते विच सी, जिहदे अनुसार पंजाब दे किसानां नूं बड़ा वड्डा नुकसान होण वाला सी। तुहानूं बिजली दे बिल फ्री ने, मोटरां दे बिल नहीं लगदे। ये नवीं इक खेड रची गई सी वी पहलां तुसीं बिल दिओ, उहदे बाद सरकार उही तुहाडे खात्यां 'च वापस भेजेगी। ये नवां ड्रामा रचण दा इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 सी, जिहदे 'च साडा कहना सी भई पंजाब दे किसानां कोल जमीनां बहुत छोटियां, लैंड होल्डिंग्स रह गईयां 5 एकड़ तों घट ने, धरती दा पानी बहुत नीवा चला गया, ट्यूबवैल लाउण लई लखां रुपए खर्च करने पैंदे ने, ते जे तुसीं जिहड़े अज दे हिसाब नाल बिजली दे बिल लाओगे तां 6 तों 7 हज़ार रुपया महीना छोटी मोटर दा हर किसान दे वस दा रोग नहीं कि चढ़े महीने तुहानूं दिया करे। ते फिर पता नहीं तुसी गैस सिलेंडरां दी सबसिडी वांग वापस करो भी कि ना करो, ये साढ़े बस नहीं। जे इहो जिहा कानून लियांदे हो तां इक गल समझ लैणी चाहीदी है सरकार नूं भई घट्टो घट अद्धे ट्यूबवैल पंजाब दे एक महीने दे अंदर अंदर डिफाल्टर हो जाणगे, किसी ते बिल दित्ते नहीं जाणे। तुसी एक नवीं होर मुसीबत लई राह खोल रहे हो जिहड़ा असीं बर्दाश्त नहीं करांगे, और उहदे लई सरकार नूं इह मनणा पिया भई ठीक है असीं इह छड्डिया, इह कानून असीं नहीं बणावांगे। दूसरा सी एक बड़ा वड्डा पिछले समय तो दबा सी, जदों नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल च केस चलदा सी आ पराली नूं अग लाउण वाला, मैं उस केस विच खुद पेश होया करदा सी। मैं उस वेले नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दे जिहड़े चेयरमैन सी ओह सुप्रीम कोर्ट दे जज सी, मैं उहनां नूं कहा सी भाई जी तुसी जो कुछ कहना चाहुंदे हो मशीनरी लियाओ, पंजाब दे किसानां कोल जिन्हां कोल छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है उहनां दे वास्ता रोग नहीं, इन्नी महंगी मशीनरी ओह खरीद नहीं सकदे, और इन्नी महंगी मशीनरी खरीद के जिस तरह की तुसी कहिंदे हो उहदे लई 60-70 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, तो यह आम किसानां दे वस्ता रोग नहीं। उदों फिर
केंद्र सरकार नू पार्टी बनाया गया सी और फैसला लिखा होया सी। अज भी वो फैसला स्टैंड करता है। मैं एक दो बारी पंजाब सरकार नू घेरिया इस मसले ते भी जिहड़ी गल तुहानू सूट कर दी लागू कर दिओ, जिहड़ी किसान नू सूट कर दी उहनू छड्ड दिओ, इह किवें काम चलू। उस फैसले का तीन हिस्से ने, जी एच ते आई पार्ट है। एक हिस्से नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा भाई जिहड़े 2 एकड़ तक की जमीन के मालिक किसान ने उन्होंने ये सारी मशीनरी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट लैके देवे, जिहड़े 5 एकड़ तक के मालिक ने उन्होंने 5,000 रुपए च देवे, ये तो वध वालियां नू 15,000 रुपए च देवे, ते ए मशीनां चलाउण लई नकद इनसेंटिव दिता जाए। सरकार ने यह तो किया नहीं। हाँ, एक कम कर दिता भाई जी, असीं सबसिडी ते मशीनां देवांगे। जिन्ने दी मशीन सी, जिन्नी उहदे ते सबसिडी मिलनी सी, उन्नी मैनुफैक्चरां ने कीमत वधा लई, क्योंकि करप्शन का जमाना है। इसलिए उहदा लाभ किसानां नूं कोई नहीं होया। ते हो यह गया भी उन्होंने जुर्माने करने शुरू कर दिते। ते मैं एक सैमीनार विच खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर नूं पुछया भाई जी तुहाडी एक किताब चा छपदा है हर साल जदों दा ग्रीन रेवोल्यूशन शुरुआत होई है, उहदा नां है पैकेज एंड प्रैक्टिसिज। उहदे विच तुसीं सानूं सलाह दिंदे हो किहड़ी फसल बीजण तों बाद खेत तैयार करके किवें अगली फसल लई तैयारी करनी है। तुसीं आ 5-6 साल तो पहले जिन्ने तुहाडे इह पैकेज एंड प्रैक्टिस दे किताबचे ने वह चक लो। तुसीं सानूं हमेशा कहा पराली नूं अग लाओ, खेत नूं साफ करो ते अगली फसल बीज दिओ। ते हुण 5 साल तो लिखणों हट गए। सानूं 50 साल एक पाठ पढ़ाई गए ते चाहुंदे हो असीं उह 5 महीनियां च छड्ड दईए। वाइस चांसलर कोल कोई जवाब नहीं सी। उन्हें कहा हाँ तुसीं ठीक कहिंदे हो, पर हुण असीं अपनी इह पैकेज एंड प्रैक्टिस विचों इह गल कढ दित्ती है। ते जे कढ दित्ती है तुसीं 50 साल की प्रैक्टिस, तां घट्टो घट 5-7 साल तां किसान नूं दिओ ना इहनूं समझण वास्ते, तरीका बदलण वास्ते। और सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए। मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर नूं कहा भी तू बैठा इत्थे मैनू दस अज तक किसी अदालत का फैसला अधूरा लागू होया, अद्धा फैसला लागू कर दिओ, अद्धा छड्ड दिओ, जिहड़ा तुहानू सूट करदा उह लागू कर दिओ, जुर्माना कर दिओ, किसानां ते FIR कर दिओ, उहनां दी जमाबंदी च रैड एंट्री कर दिओ, ते जिहड़ा तुसीं कम करना सी उह कौन करूगा? कोई जवाब नहीं। ते हुण केंद्र सरकार ने उह तों उत्साहित हो के नवां कानून बना लिया सी भई जे कोई पराली नूं अग लाएगा उस किसान नूं 1 करोड़ रुपया जुर्माना होएगा ते 5 साल की कैद होएगी। कल ये तो असी तुहाडा खेड़ा छड़ा दिता, जिहड़ा नवा कानून उहदे विचों किसान का हिस्सा बाहर कढ दिता, इंडस्ट्री ते लागू होएगा। ये 2 गल्लां कल असी करवा के आए हाँ। बाकी असली मुद्दा हाले खड़ा है। असली मुद्दे ते सरकार अपनी इज्जत बचाउण वाले पासे नूं तुरी हुई है। वो सीधे शब्द नहीं वरतदे पर सानू मीटिंग जे कहिंदे ने भाई जी कोई आल्टरनेटिव दस दिओ, इस शब्द दा जिहड़ा तुसी वरतदे हो रिपील करो, ये रिपील दे तां शब्द कोई होर वरत लो, साडी भी इज्जत रह जाए ते तुहाडा भी मोर्चा फतेह हो जाए। इत्थे सरकार खड़ी है। खैर सरकार दी एक गल सुन के मैं अज सवेर दा पढ़दा आया, बहुत सारे दोस्तां तों वकीलां तों इधरों उधरों डिक्शनरियां चों सवेर दा मत्था मारदा आया भी रिपील दे थां किहड़ा शब्द ठीक रहे। चलो जे उहनां दी इज्जत दा सवाल है बचा लो बेचारियां दी, पर
अपनी गल तो असं पूरी करवानी है, वो तो बिना तो असं पिछे हट नहीं सकते। असी उन्होंने कहा, मैं कल कह के आया सी मंत्री नूं भी आ जिहड़ी एड्डी वड्डी फौज भर्ती की है तुसी अफसरशाही दी, जिन्हों तुसी कहने दुनिया भर का दिमाग इकट्ठा किया है, इहनूं लखां रुपईआं तनखाहां दिंदे हो, इह किहदे वास्ते है? यही तुहानूं घुलतरां पाउंदे ने, यही घुलतरां चों कढणगे। साडा जी करे असी दसांगे, जी करे ना दसांगे, पर असी इह कानून वापस करन लई तुहानूं खैड़ा नहीं छड़दे जदों तक तुसी इह वापस नहीं लैंदे। पर इहदा हल भी जिन्हां ने तुहानूं फसाया है, आ अफसर बैठे ने तुहाडे कोल, इहनां ने कानून लिखे ने, यही हल दसणगे। चार तारीख नूं इस मुद्दे ते बहस होएगी, असी तुहाडी ताकत नाल लड़दे हां। कोई कुछ कही जाए, भावें मैं बहुत वड्डा, मैं तां इह अज नहीं हर वारी तुहाडे सामने एक बेनती करदा, या जिहड़ा एड्डा वड्डा अडंबर दुनिया का कदे किसी ने देखा नहीं, दिल्ली के चारे पासे तुसी बैठे हो, पटने विच बहुत वड्डा कट होया तुहाडे भरावां दा, उन्होंने डट के पुलिस दीआं लाठियां खादियां, हथ नहीं चक्किया। हैदराबाद च कल बहुत वड्डा कट होया, अज मणिपुर च कट हो रहा है, तमिलनाडु च सरकार ने वाह ला लई, सारे लीडर पढ़ के अंदर देते, उहदे बावजूद थंजावूर च जिन्हों कन्याकुमारी कहते हैं उहदे नेड़े लखां किसान कट्ठे होए तुहाडे हक विच, अज सारा देश एक सूई दे एक नक्के से लंघ गया। यह उपरले का कोई करिश्मा है? अकाल पुरख की कोई मेहर है? एडी वड्डी संख्या च यह मनना पएगा, भावें कोई नास्तिक होवे कोई आस्तिक होवे, मैं इस गल का धारनी हाँ, मैं गल मन के तुरदा, सवेरे जो उठदा अरदास करदा वाहिगुरू अगे, तो इको गल मन में आती है, हे वाहिगुरू ये की अडंबर तू रचिया है, इनू तू ही सिरे लाउणा है। मैं अपनी जिंदगी च बड़े अंदोलन लड़े भरावो, वड्डे वड्डे अंदोलन लड़े, सफल लड़े, पर आह चमत्कार मैं नहीं अपनी जिंदगी च कदे देखिया, इन्ने लोग कट्ठे होण रहण शांतमई। वह महीनों वधी तुसी लड़ो, किसी का फुल भी ना तोड़ो। तुसी अज इत्थे आके आ जिहड़े तुसी इत्थे बैठे हो, मैं आ रहा सी, सीना चौड़ा हो जाता है जदों मैनूं इह खबरां मिलदियां है, भई हरियाणे वाले भाई जिहड़े आले दुआले बैठते ने वह तुहाडियां सिफतां करदे नहीं थकदे। उह सरकार ने वाह ला लई हरियाणे और पंजाब वालियां नूं लड़ाउण दी, SYL दा मुद्दा खड़ा करके वारे वारे जावा उन्हें भरावां दे, उन्हें वगाह मारी उन्हां दी हरियाणे वालियां दी, ला के परे सुट दिते, कहता सी भरा मसा जुड़े आ, खबरदार खबरदार जे साडे विच कोई दुफेड़ पैदा कीती तां। तो अज एक करिश्मा नहीं तो होर की है? सारे देश का किसान इको सोच लैके बह गया, मेरे को केड़ा जादू है, मेरे साथियों को केड़ा जादू है, भाई इको गल असी इतों उत्थे थंजावूर बैठे किसान नूं जिहड़ा साडी बोली भी नहीं समझदा तमिल बोलदा, केरला विच बैठे साडे भरा को जिहड़ा साडे सभ्याचार तों भी वाकफ नहीं, आंध्र प्रदेश च बैठे भरावां को जिहड़े तेलगू बोलते ने सानूं पता ही नहीं लगता, वह सारे इको बोली बोलते ने, उपरले का करिश्मा है। कल नवा साल चढ़ना है, मैं बड़े माण नाल गल हर जगह कहना, साडे बच्चों ने साडे नौजवानों ने बहुत वड्डा कलंक धोता पंजाबियों के सिरों, जिन्हां नूं बदनाम किया जाता सी, पोलीटिकल लोग हर पार्टी एक दूजे ते चिक्कड़ सट्टण दे नां ते टारगेट साडे बच्चों नूं करदी सी, हर पोलीटिकल पार्टी कहिंदी सी नवीं पीढ़ी गई है, नशेड़ी हो गए, फलान हो गए, टींग हो गए, हुण तां कदे किसे नशेड़ी दा केस नहीं सुणन नूं मिलिया, सारे सेवा करदे ने इत्थे।
आ ट्रैफिक जो रोकते ने मैं कोलों की लंघदा दिल अश अश कर उठता है भी आ ड्यूटी साढ़े बच्चे ने आप सामभी है सफाई करनी है आप सामभी है फिर भी एक मैं चौकस करांगा अपने बच्चों नूं सरकार ने अपनी पूरी टिल भी लाई हुई है भावें सरकार घबराई हुई है पर पता नहीं दुश्मन बात करे अनहोनी ये समझ के चलना चाहिए दुश्मन बात करे अनहोनी जिहड़ी तुहाडे चित चेते भी नहीं हुंदी वो किते आके उंगल लाउंदा है चलो उत्थे आके पंगा खड़ा करिए लीडरशिप देखांगे की करूं चलो आपां जाके उत्थे बंद कर दिए चलो आपां जाके फलाना काम कर दिए ये सारियां गल्लां मैं और मेरे 30-40 साथी तो हर जगह हर हाजिर नहीं रह सकते इहदा साडा और तुहाडा एक विश्वास है जिहड़ा असीं अपने बच्चों से विश्वास अपनी झोली च लई फिरदे आं भई उह उहनां दी पेश नहीं जाण दिंदे फिर उहनां नूं नाकाम कर दिंदे ने इसलिए अज दा दिन आम तौर पर हुण हिंदुस्तान च नहीं सारी दुनिया च अज राती 12 बजे अमीर लोगों ने हुड़दंग मचाउणा है उन्हां कोल पैसा है पर तुसी तपस्या ते बैठे हो देखियो ये तपस्या भंग ना हो जाए अज अद्धी रात तो ये तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए हुड़दंग वालों नूं हुड़दंग मचाउण दिओ तुसी उपरले दे उहदे इशारियां ते इत्थे बैठे हो उहदी धारणा नूं सेक नहीं लगना चाहिए शांति नाल रहना है शांति नाल 2021 च पैर रखना है और शांति नाल 4 दिन बाद ये अंदोलन की जित वल वधना है मैं एक गल भरावो तुहाडे सिर ते दावे नाल कह सकदा एक गल मैं तुहाडे सिर ते दावे नाल कह सकदा तुहाडा एडा वड्डा असासा जी ने मोदी का सारा तंत्र हिला के रख दिता तुहाडा शांतमई अंदोलन है मेंटेन रखिया मोदी दे पुरखे भी गां तो तुहाडे नाल लड़ाई नहीं पाउणगे ये मैं साफ कर दिया हुण दी तां गल दूर दी रही आ तां मोर्चा जितांगे मोदी दे पुरखे भी अगों तो यही जी लड़ाई तुहाडे नाल नहीं पाउणगे उहनां नूं पता लग गया भी किसान की हुंदे ने उहनां नूं पता लग गया किसान कुरबानी देण जाणदे ने एक पासे कही जाओ अन्न देवता एक पासे कही जाओ भी देश का अर्थचारा कोविड नाल डुब गया सी इंडस्ट्री बंद सी बाजार बंद सी बचाया तो किसानों ने बचाया दूए पासे किसानों के जड़ां च दाती फेरी जाओ ये दो गल्लां कुदरत बर्दाश्त नहीं करती कुदरत ये बर्दाश्त नहीं करती जदों बहुत अत हो जाए तो कुदरत उहदा इलाज लभ लैंदी आ वो इलाज आ तुसीं बैठे हो तो मैं तुहानू साढ़े तुहाडे सारयां दे चरणां विच इही सनिमर बेनती करनी है असी जे लड़ रहे हां सरकार नाल तां तुहाडे दित्ते थापड़े नाल लड़ रहे हां जे असी लड़ रहे हां इस गल्लों बेफिक्र हां भी साढ़े बच्चियां ने इस अंदोलन नूं संभालिया होया शांतमई रख्या होया और इह शांतमई रहेगा और दुनिया विच इक नवीं मिसाल इतिहासकार लिखणगे सारी दुनिया विच इदां दा अंदोलन कदे ना चले है वाहिगुरु करे कल नूं वाहिगुरु चला दे तां कह नहीं सकदा मैं नहीं मनुख दे वास्ता रोग नहीं इहो जिहा अंदोलन नहीं चलेगा कदे तुहानूं पता है तुहाडे अंदोलन दा सेक किते किते गया साडे कोल खबरां आउंदियां रहिंदियां अफ्रीका च काले वसदे किसान वो तुहाडे वर्गे छोटे जमीनां दे मालक ने उत्थे उथल पुथल हो गई वो कहिंदे भी हिंदुस्तान च किसानां ने सारी दुनिया नूं नवां रस्ता दिखाता असी की सोचदे हां साडा शोषण क्यों हो रहा है उत्थे भी अंदोलन जन्म लैण लग्या ये तुहाडे इस अंदोलन ने सारी दुनिया विच पता नहीं की कुछ किया तो इसलिए
बहुत वड्डी तुहाडी प्राप्ति यह है भई अकाल पुरख तुहाडे विच वसदा। सब तो वड्डी प्राप्ति यह है अकाल पुरख तुहाडे च सिरां ते हथ रख्या। अकाल पुरख ने तो एडा वड्डा अंदोलन जिहड़ा है यह सफलता वल वध रहा है। वाहिगुरु मेहर करे बहुत जल्दी तुसी जित के जित की खुशी च अपने घर जाओगे। इनू मेनटेन रखियो, शांति मेनटेन रखियो। अपने बच्चों कहो वो कंट्रोल रखन। सैल्फ कंट्रोल बहुत वड्डी ताकत होंदी है। जे इस ताकत नू संभाल लिया कोई किसी की हिम्मत नहीं तुहानू हरा सके। इन्ना कहिंदा फिर तुहाडे सारयां दा एक बार धन्नवाद। सारियां भैणां बीबियां जिहड़ियां इत्थे साडियां इत्थे पंजाब चों आके इत्थे तप करदियां उहनां दा तह दिलों धन्नवाद। तुहानू सारयां नू फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरु अगे अरदास करदा सानू सारयां नू सुध बुद्धि ते समत बख्शे। इसे तरह इस अंदोलन नू सफल करन वल अगे वधे वधावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।